हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या है, पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में जानेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके मन के सारे डाउट जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पे मौखिक रूप से आपको यहाँ पे सारी डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले मैं यह मौखिक रूप में बात करूंगा, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 2022। चलिए हम यहाँ पे बताते चलते हैं आपको। अगर आपके घर में एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है, क्या आपकी बेटी के भविष्य के लिए इससे पढ़ाई हो गई या उच्च शिक्षा हो गई एवं शादी के लिए चिंतित हैं? बहुत सारे लोग होते हैं कि यार बेटी ने जन्म लिया, शादी कैसे होगा, सारी चीजों से लेकर के चिंतित रहते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना, जो इस सुकन्या समृद्धि योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह स्कीम केवल बेटियों के लिए ही बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है जो बेटियां भविष्य में होने वाले खर्चे की पूर्ति करेंगी। इससे पढ़ाई हो गई, शादी होगी, बहुत सारे लोग शादी से चिंतित रहते हैं, तो उनके लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही जरूरी है। सरकार इन योजनाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्षों से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है। मतलब अगर माता पिता है तब भी यह लीगल अभिभावक है, जैसे खास आदमी, ऐसा नहीं कोई भी, जो खास लोग हैं वही लोग के माध्यम से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। 250 रुपए से शुरू होकर 1.5 लाख हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची की पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्चे की पूर्ति के लिए बचत एकांतरित करना है। समझ गए ना आप, 250 से लेकर के स्टार्टिंग है और 1.5 लाख तक हो सकता है। चलिए हम थोड़ा नीचे चलेंगे, आप भी यहाँ नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर योजना का नाम सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष जो जनवरी 2022, अभी कहाँ ओपन होना, कैसे ओपन होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो में बने रहें। लाभार्थी 0 से 10 वर्ष की बालिकाएं, मतलब 0 से लेकर के 10 साल तक की बालिकाएं, मतलब 11-12 हो गई तो वहां पे उनका एंट्री नहीं होने वाला है। निवेश राशि जो है, यहाँ से निवेश राशि की मैं बात करूँ तो न्यूनतम 250 रुपया है, अधिकतम 1.5 लाख रुपया है और कुल अवधि 14 वर्ष तक यहाँ होती है। 14 वर्ष तक यहाँ पे आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं, उसके बाद जो मेच्योरिटी होती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक, वो भी आगे मैं बात करूंगा। परिवार में कुल कितने लोगों को ये हो सकता है, परिवार में जैसे 2 बेटियां उनका करा सकते हैं, बाकी 30 का यहाँ पे नहीं, केवल 2 लोगों का होगा, केवल 2 बालिकाओं के लिए, अवधि मेच्योरिटी 14 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना, चलिए यहाँ पे बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना SSY, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है। सरकार का इससे शुरू करने का मुख्य मकसद इस योजना के माध्यम से देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना, मैंने आपको पहले ही बताया कि देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। यह योजना का खाता परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे माता पिता या अन्य कोई अभिभावक जो बेटी की जिम्मेदारी ले रहा है, वह भी आज खाता खुलवा सकता है। योजना के तहत केवल बेटियों का खाता खोला जाता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना खाता अपने किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस, मैंने बताया ना कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता आप किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के ओपन होगा, ऑनलाइन अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, आपको जाना है पोस्ट ऑफिस जो है पास में, पोस्ट ऑफिस जो आपके आसपास पोस्ट ऑफिस है वहां जाना है और अपना अकाउंट ओपन करवाना, अपने बेटी का अकाउंट ओपन करवाना, मतलब बेटी का तो अपना अकाउंट हुआ। इस योजना के बालिका अधिकतम प्रवेश, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ कंडीशन की, जैसे इस योजना के तहत बालिका के अधिकतम प्रवेश जो है 10 वर्ष होनी चाहिए, सालाना न्यूनतम निवेश राशि सालाना की बात कर रहे हैं 1,000 से लेकर के 1.5 लाख है। SSY स्कीम में कुल 14 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है, मतलब 14 वर्ष तक, जैसे आपने 0 साल बच्ची का कराया तो 14 साल जब तक बच्ची हो जाती है तब तक आपको यहां पे राशि जमा करनी पड़ती है, उस जिसकी परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, ठीक है, मतलब 14 साल आप जमा करेंगे, 14 6 7 मतलब 7 साल बाद आपको वहां पे पेमेंट मिलेगा, मेच्योरिटी मिलेगी। वर्तमान में इसकी इंटरेस्ट रेट जो है 7.60% है। प्रीमियम यदि आप मासिक दे रहे हैं तो प्रत्येक माह की 1 तारीख को, यह सालाना जमा करें तो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को जमा की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रीमियम मासिक दे रहे हैं तो प्रत्येक माह की 1 तारीख को, और अगर सालाना दे रहे हैं तो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को जमा करना होता है। क्लियर,
बालिका को 18 वर्ष पूरे होने पर उसकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई हुई 50% राशि निकालने का विकल्प है। अगर यहाँ पे बालिका जो है 18 साल पूरी हो जाती है तो वहाँ पे आप इनकी जो राशि है मतलब पढ़ाई के लिए और कोई काम के लिए नहीं केवल पढ़ाई के लिए आप 50% यहाँ पे इनकम वहाँ से पेमेंट निकाल सकते हैं, जो आप वहाँ पे पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मतलब खर्च कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता आप दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। योजना का लाभ दत्तक को जैसे गोद लिया हो के लिए भी लिया जा सकता है। यदि लड़की बालिग होने के बाद अपना खुद चलाना चाहते तो उससे यह विकल्प है। अगर लड़की बालिग हो जाती है अगर खुद चलाना चाहती है तो ये भी विकल्प अवेलेबल है। सुकन्या समृद्धि योजना है प्रीमियम राशि की गणना कैसे करें, चलिए हम आपको यहाँ पे गणना देख सकते हैं। चार्ट भी यहाँ नीचे दिया गया है, चार्ट की गणना कैसे करनी होती है। इसे नीचे सुकन्या योजना का चार्ट दिया गया है, आप भी देख रहे हैं, जिसमें प्रति माह यहाँ पे जैसे प्रति माह 10,000 व सालाना 1,20,000 रुपए जमा होंगे, ठीक इस प्रकार 21 वर्ष की इंटरेस्ट दी गई है। उदाहरण के लिए माना किसी बालिका का जन्म 2015 में हुआ है, उसके माता पिता द्वारा उनके नाम से प्रतिमाह 10,000 इस योजना के तहत जमा करने शुरू कर दिए। 10,000 मतलब प्रतिमाह जमा करने, इस प्रकार उसने कुल कितने साल जमा किया, 14 साल जमा किया, ठीक प्रीमियम देना होगा, ठीक उसके कुछ कुल प्रीमियम रुपए जो है 14,00,000 जमा होगा, जिसके 7 वर्ष उपरांत मतलब 7 वर्ष के बाद 2035 में खाता मेच्योर हो जाएगा। 2035 बाल का कुल रुपए यहाँ पे देख सकते हैं इतने रुपए 62,53,000 रुपए की धन राशि प्राप्त होगी। विस्तृत चार्ट नीचे दिया गया, आप देख सकते हैं एक चार्ट नीचे दिया गया है, आप ये काम यहाँ से करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि सुकन्या कहाँ से करवाएं, तो मुख्यतः पोस्ट ऑफिस से खुलवाए जाते हैं ये, इनके 7 साल लगभग सही सरकारी बैंकों में इन योजना खाता खुलवा कर निवेश शुरू किया जा सकता है। जैसे सरकारी बैंक हो गया भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सारे यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे मैं दस्तावेज की बात करूँ, मतलब क्या दस्तावेज आपको लगने वाले, यदि आपकी बेटियां के भविष्य के लिए सुकन्या योजना के तहत कुछ जमा कराना चाहते हैं तो आपके नीचे दिए गए दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे पहला हो गया खाता खुलवाने जन्म संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप खाता खुलवा रहे हैं तो जन्म संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, दैट इज क्लियर। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा कैसे जमा करें, यहाँ पे नगद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन ई ट्रांसफर ये उपलब्ध है। यहाँ पे ऐसे पैसा आप जमा कर सकते हैं, नगद भी जमा कर सकते हैं, चेक भी जमा कर सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आप जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन ई ट्रांसफर आदि उपलब्ध है, ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड, ई ट्रांसफर एक ऐसा माध्यम जिसके आप घर बैठे आसानी किस्त जमा कर सकते हैं, आप किस्त जमा करने में मिस नहीं करेंगे, ठीक। सुकन्या टोल फ्री नंबर मिल जाता है, अक्सर पूछे वाले सवाल नीचे देख सकते हैं। बाकी यही था, और आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने समझा सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, डिटेल में आपने समझा, शायद ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कंफ्यूजन है तो जाकर के पढ़ सकते हैं, और आपको ये कमेंट करना कि आप कौन से शहर से हैं, और ये भी कमेंट करना आपको ये वीडियो अच्छी लगी है क्या नहीं लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल।